ज्यादा फोन चलाने से ये उंगली टेढ़ी क्यों हो जाती है? हाईवे के साइड में ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि छाते के अंदर ये सिल्वर कलर की कोटिंग क्यों की जाती है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, जरा इस डिलीवरी मैन को देखिए, ये एक साथ तीन काम कर रहा है। अगर जोमेटो से ऑर्डर आया है तो ये वो भी करेगा, और स्विगी से ऑर्डर आया है तो ये वो भी कर लेगा, और वहीं किसी बाइक वाले ने उबर बुला दी तो फिर ये उबर का भी काम कर लेता है। इसे कहते हैं असली मल्टीटास्किंग। फैक्ट नंबर 9, पहले लोग रियल लाइफ में चेस खेला करते थे। साल 1924 से पहले जो राजा महाराजा होते थे वो रियल लाइफ में चेस खेलते थे कुछ इस तरीके से, और कई बार ये गेम काफी खतरनाक हो जाता था अगर राजा अच्छा नहीं है तो। और इसी तरह साल 1939 से लेके 1945 तक लोग रियल लाइफ पबजी खेलते थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। फैक्ट नंबर 8, जर्मनी में एक फुटबॉल मैच था और वहाँ पर एक लड़की उस मैच को देखने गई थी, और वो जिस टीम को सपोर्ट कर रही थी वो टीम हार गई, जिसके बाद वो लड़की वहाँ बहुत रोने लगी, और उस लड़की को शांत करने के लिए 29 लाख रुपए दिए गए, और उसके बाद जाकर वो लड़की शांत हुई, और ये पैसे उसी टीम ने दिए थे जो मैच हार गई थी। फैक्ट नंबर 7, गाइस आपने सुना होगा कि सर पर कैप पहनने से हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत में अगर सर पर कैप पहनोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हेयर फॉल जो है वो जेनेटिकली होता है, यानी कि अगर आपके पापा या फिर आपकी मम्मी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो इसके चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, गाइस एक ऐसा चाकू है जो स्पेस की चीजों को मिलाकर बनाया गया है। इजिप्ट के किंग तूतनखामन एक बहुत फेमस किंग थे, और तूतनखामन का जो चाकू था वो किसी ऐसे वैसे लोहे से नहीं बना था, बल्कि वो एक ऐसे मेटल से बना था जो कि एस्ट्रॉइड में मिलता है, यानी कि ये चाकू धरती के बाहर मिलने वाले मेटल से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5, एलन मस्क सच में एक जीनियस है। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब उनके पास रेंट देने के लिए कम पैसे बचते थे, तो वो एक दिन के लिए अपने अपार्टमेंट को नाइट क्लब बना देते थे, और पूरे महीने का रेंट वहीं से आ जाता था, और कई बार तो पार्टी में यूज होने वाले ड्रिंक्स भी खुद गेस्ट ही लेकर आते थे। फैक्ट नंबर 4, इस रोमानिया में नपुका नाम की एक जगह है, और यहाँ के लोग को फ्री में एक बस राइड मिलती है। अगर वो वहाँ पर 20 बार उठक बैठक करते हैं तो ये करने से उन्हें फ्री में राइड मिल जाएगी, चाहे उन्हें किसी भी एरिया में क्यों ना जाना हो। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहाँ के लोगों की लाइफ थोड़ी और फिट हो सके, और इस बहाने एक्सरसाइज हो सके। फैक्ट नंबर 3, गाइस आपने कई बार देखा होगा कि छाते के अंदर सिल्वर कोटिंग होती है, तो ऐसा क्यों होता है? छाते का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए किया जाता है। ऊपर की जो काली परत है वो बारिश से तो बचा लेती है, लेकिन धूप से नहीं बचा पाती, क्योंकि धूप उसके अंदर से आ सकती है, लेकिन अगर सिल्वर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा, और यही इसका काम है। फैक्ट नंबर 2, कई लोगों को फोन चलाने से प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग फोन पकड़ने के लिए इस छोटी उंगली का यूज करते हैं उनकी पिंकी फिंगर कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसे स्मार्टफोन पिंकी कहा जाता है, और आजकल कई लोगों की फिंगर ऐसी ही दिखती है। फैक्ट नंबर 1, इस हाईवे के बीच में जो पाथ होता है उस पर कुछ इस तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस बनाए जाते हैं। तो दरअसल इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ड्राइवर को एक साफ व्यू दिख सके। अगर इसे सिर्फ व्हाइट कलर का दिया जाएगा तो हो सकता है जब धूप ज्यादा हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये ड्राइवर की आँख पर गिरे, और ड्राइवर सही से इस चीज को देख ना पाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर इसे सिर्फ ब्लैक कलर से किया जाएगा तो रात को अंधेरे में ये अच्छे से दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसे ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में किया जाता है ताकि दिन हो या रात ये एकदम क्लियर कट दिख सके। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।